तेरे संसार की क्या हालत हो गई भगवान, घर में बैठा हर एक इंसान, घर में बैठा हर एक इंसान, सिख हो या ईसाई, हिंदू या मुसलमान, घर में बैठा हर एक इंसान, घर में बैठा है हर एक इंसान। जब तक ये संकट है तब तक घर पे ही बैठो मेरी जान, तभी तो इस संकट से फ्री होगी दुनिया और हिंदुस्तान। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर शो एंड मैं हूँ आपकी दोस्त खुशबू। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय दुनिया में बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। एक वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। सारी सड़कें सुनसान हैं, सारे शहर सुनसान हैं, सारी गलियाँ सुनसान हैं। ऐसे में हम में से किसी ने नहीं सोचा था दोस्तों कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हम सभी को घर में कैद होकर रहना पड़ेगा। घर में बंद हो गए हैं सब लोग, क्यों? क्योंकि इस वायरस ने पूरी दुनिया को इतनी बेतबाह कर दिया है कि हर कोई घर में बंद हो गया है। ऐसे में हर कोई दोस्तों बोर हो रहा है घर में। सारे बिजनेस बंद हैं, सारी जॉब्स बंद हैं, सब कुछ बंद हो चुका है, तो सब लोग बोर हो रहे हैं घर में। तो चलिए कुछ जानते हैं ऐसी बातें जिनसे हम मोटिवेट हो सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे आसान है खुद को मोटिवेट रखना ऐसे टाइम में। पहली बात, जैसे दोस्तों लोहे को उसकी जंग खराब कर देती है ना, इसी तरह से इंसान को उसका खाली दिमाग खराब कर देता है। इसलिए इस 21 दिन के लॉकडाउन में अपने दिमाग को खाली बिल्कुल ना रखें। कुछ नया सीखें, कुछ नया पढ़ें, कुछ ना कुछ नया अपनी ज़िंदगी में तजुर्बे करें, लेकिन अपने दिमाग को खाली बिल्कुल ना रहने दें। दूसरी बात दोस्तों, हमें ये अवसर मिला है कि इसमें हम अपने हुनर को पहचानें, अपने हुनर को आगे बढ़ाएं और दूसरों की कमियां निकालना बंद कर दें। अक्सर दोस्तों लोग दूसरों का सोचते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें ये, इसने ये नहीं किया। ये सब छोड़ के खुद को बदलो, खुद आगे बढ़ो, तभी दुनिया बदल पाएगी दोस्तों। तो ये 21 दिन आपको मिले हैं जिसमें आप खुद को बदल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो ज़िंदगी में। तीसरी बात दोस्तों, इस 21 दिन के लॉकडाउन में आप अपनी कोई भी बुरी आदत छोड़ सकते हैं। जैसे आपको किसी नशे की लत हो या कुछ भी हो, ये 21 दिन आपको मिले हैं जिसमें आप ये आदत छोड़ सकते हैं और अपने जीवन को एक बहुत सरल और प्यारा बना सकते हैं। इसलिए अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ के इस लॉकडाउन के खुलने के बाद अपने आप को आगे बढ़ाएं। चौथी बात ये कि आप अपने आप पर अकेलापन हावी ना होने दें। ये 21 दिन आपको अकेले रहना है, इसलिए अकेलेपन को अपने ऊपर हावी ना होने दें और अकेलेपन को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, क्योंकि अकेलापन इंसान को खा जाता है। इसलिए इस लॉकडाउन में, इन 21 दिनों में कुछ ना कुछ नया करें, कुछ ना कुछ अच्छा करें और अकेलेपन से दूर रहें। अपने माइंड को किसी और अच्छी चीज़ में लगाएं, अपने थॉट प्रोसेस को अच्छी चीज़ों में सोचें, ताकि आप इन 21 दिनों का, इस लॉकडाउन का अच्छे से यूज़ कर सकें। दोस्तों, इन चार पॉइंट से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट रख सकते हैं। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट आप सभी से दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं पीएम नरेंद्र मोदी और हमारी पूरी गवर्नमेंट इस लॉकडाउन से लड़ने में लगी हुई है, इसलिए आखिरी में आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोस्तों। हाथ धोना ज़िंदगी से हाथ धोने से ज़्यादा बेहतर है, मास्क पहनना वेंटिलेटर पर रहने से ज़्यादा बेहतर है, घर में रहना आईसीयू में रहने से ज़्यादा बेहतर है, और लास्ट में दोस्तों, बीमारी के इलाज से बच के रहना बीमारी के इलाज करवाने से ज़्यादा बेहतर है। इस जंग में हम सबको मिल के लड़ना है दोस्तों, ताकि हम सब इस वायरस को मिलकर भगा सकें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, घर में रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए बाय बाय।